ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, आप वीडियो के टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सिंपली आप वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को बिना किसी रुकावट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को जिस तरीके से आप सभी को बैकग्राउंड को डाउनलोड करके पिक्सार्ट में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को अपने मॉडल को ले लेना है। एंड अपने मॉडल को जो है गाइस, कुछ इस टाइप से आप सभी को यहाँ पे लगा लेना है फुल स्क्रीन करके। एंड यहाँ पे लगा देने के बाद आप सभी को थोड़ा सा मतलब कि देखना है कि आपका जो मतलब कि जो पीछे जो क्या कहते हैं बेंच लगी हुई है, इसमें आपका जो मतलब कि पैंट का कोई भी हिस्सा नहीं आना चाहिए, ओनली आपकी टी शर्ट तक का हिस्सा है। इतना आप सभी करना है। यहाँ से मैं ओपेसिटी कम करके इसको रेजर टूल में जाके इसको आप हम सिंपली रेज कर लेंगे। ठीक है, तो रेज पे क्लिक करके हार्डनेस से फुल करके हम कुछ इस टाइप से रेज करेंगे। ठीक है, इस तो यहाँ पे जो हमारा हैंड है हमें इसको ऊपर की तरफ रखना है, तो हम कुछ इस टाइप से यहाँ से रेज कर लेते हैं इसे फटाफट। ठीक है, इस तो जो मतलब कि यार आप सभी को मतलब कि मैंने जो मॉडल का बैकग्राउंड है ना, मैंने पहले से रेज कर रखा था। एंड आप में से किसी भाई को अगर नहीं आता ना बैकग्राउंड रेज करना, तो गाइस आपके लिए मैंने दो वीडियो के लिंक दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब दोनों में से कोई सी वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा। मैंने दोनों में बहुत अच्छे इजी तरीके से एंड अच्छे तरीके से समझा रखा है, तब उन दो वीडियो को जरूर चेकआउट करना, तो आप सभी को काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। बाकी यार आप कोई मतलब कि बाकी यूट्यूब पे आप कोई भी वीडियो सर्च कर सकते हो बैकग्राउंड रेस से रिलेटिव, आप सभी को वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी रेस करना सीख सकते हो। तो ठीक है गाइस, तो चलिए आप वीडियो को थोड़े हम फास्ट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस फाइनली जो हमारे यहाँ पे जो है पूरा सक्सेसफुली हमने इरेज कर लिया है। तब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से हार्डनेस को फुल उसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। ठीक है, इस तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है लग चुका है। एंड उसके बाद क्या करना है, आप सभी को ऐड फोटो में जाना है। एंड ऐड फोटो में आप सभी को मैंने ये वाला पीएनजी दे रखा है। ठीक है, तो इस कार्टून में पीएनजी दे रखा है, तो आप सभी को दिख रहा होगा इस पीछे जो हमारा वो पहले से था उसका जो मतलब कि ना थोड़ा हेयर इरेज हो गया है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए मैंने आप सभी के लिए पीएनजी मैंने आप सभी के लिए लिया हूँ मैं, तो आप इसको ये पीएनजी ले लेना। एंड इसको आप सभी को यहाँ से सिंपली नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लेना, क्योंकि इसमें शेडो पहले से बनी हुई है, तो हमें फिर शेडो बनाने की ज़्यादा झंझट नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप इतना कर लेना। एंड इतना कर लेने के बाद आप सभी को करना क्या, यहाँ से आप सभी को कुछ इस टाइप से यहाँ से कर देना है डन। ठीक है, इस यहाँ से डन कर देना है। एंड इसके बाद आप सभी को जाना है यहाँ से ड्रो टूल में। एंड यहाँ पे बनाना है अपने मॉडल के नीचे शेडो। ठीक है, तो शेडो कैसे बनानी है, आप सभी को यहाँ पे पहले ब्रश पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जो ओपेसिटी है कुछ इस टाइप से यहाँ पे 7 तक रख देनी है। एंड यहाँ से कर देना है सेट। एंड उसके बाद आप सबको सिंपली इस तरीके से जूम कर लेना है एंड कुछ इस टाइप से पेंट करना है। ठीक है, तो गाइस मेरे ख्याल से साइज जो है थोड़ा ज़्यादा है, तो हम साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड ओपेसिटी को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं ना, अराउंड 16 तक कुछ कर लेते हैं। एंड यहाँ से हम इस तरीके से शेडो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी को पूरे यहाँ पे कर देना है, जहाँ जहाँ तक आपका हैंड आ रहा है वहाँ वहाँ तक आप सभी को शेडो क्रिएट कर देनी है। एंड एक हम यहाँ पे शेडो को क्रिएट करने के बाद एक हम थोड़ी सी यहाँ पे मतलब कि नीचे जो है यहाँ पे हमारा मॉडल है बेंच के पास भी यहाँ पे हम थोड़ी सी इरेज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमने पेंट कर दिया। एंड यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको आप सभी को करना है यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से गाइस जाना है आप सभी को यहाँ पे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को ये लाइक का पीएनजी है, आप सभी को ये पीएनजी ले लेना है। ठीक है, तो इस पीएनजी को भी आप सभी डाउनलोड कर लेना। एंड आप सभी को जिस तरीके से आपको जूम करना है एंड इसकी ओपेसिटी को पहले कम करके एंड आप सभी को इरेजर टूल में जाके एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को ऊपर की जो फिंगर आप सभी को इसको इरेज कर देना है। ठीक है, तो हार्डनेस को हम यहाँ से पहले फुल कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको सिंपली यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो जो फिंगर है उसके यहाँ से इरेज करना, बाकी आप सभी को और कहीं से इरेज नहीं करना, क्योंकि यार जो नीचे वाली फिंगर है वो तो आपने नीचे से पकड़ रखी है, जो ऊपर वाली फिंगर है वो आपके ऊपर से है। ठीक है, तो मतलब कि जो पीएनजी आप सभी को कुछ आपने इस टाइप से पकड़ रखी है, तो आप सभी को कुछ ऐसा दिखाना है, आप नीचे से कहीं अंगूठे को इरेज मत कर देना। ठीक है गाइस, तो आप सभी को मतलब कि इतने समझदार तो हुई आप, है ना। तो चलिए यहाँ तक, अभी यहाँ तक तो हो चुका है। एंड यहाँ से हम थोड़ा सा और इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना कर देते हैं। एंड यहाँ से कर देने के बाद यहाँ से हम करते हैं डन। ठीक है, इस यहाँ पे हमने जो परफेक्टली यहाँ पे हमने इरेज कर लिया है, तो यहाँ से कर देते हैं डन। एंड इसकी ओपोसिटी को फुल कर देते हैं एंड यहाँ से कर देते हैं डन। ठीक है, तो यहाँ तक का काम तो हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है ये डेविल लुक वाला जो मतलब कि फेस पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फेस है जो मतलब मॉडल का उसका फेस थोड़ा डेविल लुक में आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको कुछ इस टाइप से यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे ऐसे लगा देना है पूरे मतलब कि जूम करके, आपके आई पे बिल्कुल ही मतलब परफेक्टली आ जाएगा ये। तो इसका जो ब्लेंडिंग मोड आप इसको मतलब कि मल्टीप्लाई भी रख सकते हो। ठीक है, बट आप सभी को ओवरले रखना है, ओवरले में सही दिख रहा है ये। ठीक है, तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी रख सकते हो, बट उसमें ज़्यादा डार्क हो जा रहा था यार, आप भी ओवरले ही रखना। ठीक है, तो इतना करते हैं, यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद हमें इसमें ग्लो इफेक्ट देना है। ठीक है, जो लाइक का पीएनजी भी हमने अपने हैंड पे लगाया, इसमें हमें ग्लो इफेक्ट देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से पहले ब्लू कलर के ले लेंगे एंड इसके ह्यू में जाएंगे एंड इसको जो सबसे ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये रेड हो जाएगा। एंड इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग मोड में एंड यहाँ से करेंगे हम पहले लाइटन करेंगे। तो लाइटन में गाइस कुछ इतना खास दिख नहीं रहा है ये। ठीक है, तो इतना खास दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको स्क्रीन करते हैं
एंड ऐसे स्क्रीन कर देने के बाद हम थोड़ा सा जूम करते हैं एंड इसमें अभी स्क्रीन में भी थोड़ा इतना दिख नहीं रहा था, उसका क्या करते हैं हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड ऐसे डुप्लीकेट करके एंड सिंपली हम इसको यहीं लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे परफेक्ट है गाइस, ठीक है, तो यहाँ पे सही लग रहा है एंड इतना कर देने के बाद आप सिक्वेंस कर देना डन, ठीक है। इस तो इतना हो गया, तो यहाँ तक का काम तो हमारा हो चुका है। तो उसके लिए अब आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे टूल्स में, टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आप सभी को जो ब्राइटनेस इसको बढ़ा देना है, ठीक है, एंड ऐसे इसमें इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करके ब्रश के साथ छोटा करें कुछ इस टाइप से, आप सभी को फेस पर डोजन बर्न करना है, ठीक है, जिस टाइप से आपको जो डोजन बर्न करना फेस पर, यहाँ पर पेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं और एक यहाँ पर नोज़ के ऊपर, ठीक है, तो इतना कर देते हैं एंड यहाँ पर एक हेड के ऊपर भी कर देते हैं एंड ऐसे करते हैं डन, ठीक है। तो इसकी जो ओपेसिटी अमाउंट है जो आपको अराउंड 5 तक कुछ रख देना है एंड ऐसे कर देना डन, ठीक है। तो अगेन जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में, फिर ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड ऐसे रेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश के साइज को सेम रहने देंगे जैसा था एंड उसका सिंपली हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर एक पेंट करेंगे, एक यहाँ पर पेंट करेंगे और एक यहाँ पर कर देंगे और एक हम यहाँ पर भी कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर भी कर देते हैं एंड ऐसे करते हैं डन, ठीक है। तो जो अराउंड आपकी जो ओपेसिटी है इसको आप मतलब कि माइनस में रखोगे तो इसलिए डार्क हो गई, तो आप सबको इसको कुछ इस टाइप में ऊपर की तरफ ही रखना है एंड अराउंड 5-6 तक एंड ऐसे कर देना डन, ठीक है। तो अब गाइस बात होता है हमारी कलर करेक्शन की, तो यहाँ से हम कर लेते हैं फोटो को सेव एंड ऐसे चलते हैं बैक, ठीक है। इस तरह से हम लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं, ओके। सो गाइस जब तक लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है यार और अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आपके लाइक से तुम्हारे भाई को बहुत मोटिवेशन मिलती है यार, वीडियो लाने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप में से कोई भी भाई चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सबको सबसे पहले मिले। तो चले गए सब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको यहाँ पे फोटो पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे जाना है लाइट में एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, हाईलाइट को कम कर देना है, शेडो को बढ़ा देना है एंड जो व्हाइट है इसको भी थोड़ा बढ़ा देना है एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देना है एंड इसके बाद नीचे वाले टूल में वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड जो टेम्परेचर इसको हल्का सा कम कर देना है एंड इसके बाद जाना आपको मिक्स में एंड जो सैचुरेशन है इसको माइनस में कर देना है एंड जो इसका ब्लू कलर की सैचुरेशन को भी आपको माइनस करके देख लेना। तो यहाँ पे तो मतलब मॉडल है मेरा उसका थोड़ा मतलब मामला ख़राब सा हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना है हम यहाँ पे थोड़ा सा कम ह्यू रखेंगे, ठीक है, सैचुरेशन को एंड इसका जो ये येलो कलर है इसको हम सैचुरेशन को बढ़ा देंगे, ह्यू को प्लस में रखेंगे एंड कर देंगे डन एंड ऐसे जाएंगे हम थ्री डॉट्स में एंड उसके बाद जाएंगे इसमें हम येलो इसमें ऑरेंज कलर में एंड उसके बाद इस वाले में जाएंगे एंड इसके बाद हम फिर ऑरेंज टोन में ले जाएंगे एंड इसमें ले जाएंगे और इसको भी हम ऑरेंज टोन में ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से डन कर देंगे एंड उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, तो फोटो क्लियरिटी इसको बढ़ा देंगे, तो विगनेट हम इसको प्लस में रख देंगे एंड उसके बाद जो ग्रेन अमाउंट इसको बढ़ा देंगे एंड इसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, जो फोटो की शार्पनेस है इसको बढ़ा देंगे एंड जो नोट डायरेक्शन इसको भी बढ़ा देंगे, ठीक है, एंड जो कलर नोट डायरेक्शन इसको बढ़ा देंगे एंड जो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो एड हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।